समझाती हूँ, तुम समझते नहीं हो मेरे लाल। बस किस बात की चिंता करती हो, अपने नाना मामा के साथ में जा रहा हूँ, किसी के साथ में रहूंगा। चाचा है उनके साथ में, अपने नाना मामा के साथ में रोजगार करने के लिए जा रहा हूँ। बेटा राजा नल, तुम्हें कुछ हो जाएगा तो मैं जीते जी जिंदा मर जाऊंगी। बेटा मेरा कहना मानो, I'm not afraid of the dark.
मान जी हिमांशु ग्राम परसपुर के निवासी है, 10 रुपए व्यवहार पे भैया जी को नमस्कार। हे मां ये भैया मोनू ग्राम परगतिया निवासी है, 10 रुपया पार्टी में व्यवहार देते हैं, भैया को नमस्कार है। और लाखन में खिलाओ नहीं समझाओ लल्ला मानती है कनाई बात लाल पर वही बनवारी मैया की मानती है कनाई बात। आज हमारे खिलौना राजा नल हमारी एक बात नहीं मानते हैं तो मैं मेरे प्यारे दोस्तों श्रीमान जी रामचंद्र राम सोहरा निवासी ये 50 रुपए व्यवहार के भैया जी को नमस्कार। इधर माँ मांझा क्या करती है, अपने बेटा राजा नल से क्या सवाल बोलती है। बेटा राजा नल, बेटा राजा नल, सादे बोलो। हमारे भैया प्रमोद के पिताजी नथुलाल ग्राम बढ़ियनपुर निवासी, वो पिता स्वर्गवास में है, हम लोग नरकवास में है, ये 50 रुपए व्यवहार में भैया जी को नमस्कार। हाँ भैया, ये दरोगा दरोगा जी और इंस्पेक्टर जी ये ग्राम परसपुर निवासी हैं, ये 20-20 रुपया पार्टी में व्यवहार देते हैं, भैया को नमस्कार है। हाँ हमारे भैया राम अवतार ग्राम बढ़ियनपुर निवासी है, 20 रुपए व्यवहार देते और भैया जी को नमस्कार। इधर राजनल बेटा अपनी मंझा माता कहना नहीं मानते हैं तो मंझा माँ अपने बेटे राजनल से क्या सवाल करती है। भैया सुनो भैया, बेटा राजनल, बेटा राजनल सुनो माँ, एक बात लड़का समझावे लल्ला मानत मेरी नाई बात ध्यान पे रूठ लौना मैया दे लल्ला हमका धीरज दे बधाई। लौना धीरज में बधाऊंगा माँ हो प्यारे दोस्तों, माँ से बना मक्खन मक्खन से बनाई बनाई जिसने माँ की कदम जानी वो बेटा नहीं कसाई। बेटा राजा नल भैया और तुम लल्ला मेरे जैहा पड़े सता लल्ला। हाँ माँ, और मेरो धीर समझाई दे उरे Bye.
पूजा के बाद भी माँ आपके अवश्य चरण का स्पर्श करूंगा और माँ सात नालों में माथा भरवा दो भैया। बेटा राजा नल उस खून बरन हो जब बदलने लगा तो समझ लेना तुम्हारा लाल दुनिया में पैदा नहीं है भैया। बेटा राजा नल कहो माँ तुम 6 महीने का वादा करते हो हाँ। लेकिन मुझे मंजूर है एक बात और है बेटा। कहो माँ
हमारे श्रीमान जी राजपाल ग्राम शिमरा निवासी 50 रुपया व्यवहार करते भैया जी को नमस्कार। भैया ये पहली निशानी राजा नल ने अपनी मां मंझा के लिए बताई है। चंदन का पेड़ क्यारी में लगवा दिया, जब तक ये हरा रहेगा तब तक समझना राजा नल जीवित है। जिस दिन इसकी पत्ती सूखने लगे उस दिन जानना राजा नल मैया जीवित नहीं है। और दूसरी निशानी राजा नल ने दूध भरवा दिया, ना दो दूध जब तक सफेद रहेगा कहते हैं तब तक मैया जानना राजा नल जीवित है। जब दूध लाल हो जाए तो समझ लेना माँ तुम्हारा राजा नल जीवित नहीं है। और तीसरी निशानी क्या है भैया? हाँ अरे भैया श्रीमान जी मोदा निवासी ये 10 रुपया व्यवहार करते भैया जी को नमस्कार। ये तीसरी कहानी कौन देते हैं राजा? और इधर हमारे भैया सतेंद्र भैया ग्राम रमापुर निवासी ये 50 रुपया इनाम में देते लिखे नहीं जाएंगे भैया जी को नमस्कार। मेरे मामा के भैया अकलौता मेरा लाल अकलौता मेरा भाई रमापुर निवासी सतेंद्र। आ
तुम जाना चाहते हो अवश्य और नहीं मानोगे ना? तुम्हारी बात को बिल्कुल नहीं मानूं तो ठीक है, एक काम करो बेटा। कहो। मैं तुम्हें जाने दूंगी। कहो माँ। तुम अपने मामा और नाना को
हमारे पास लेके आ बेटा, मैं उनसे थोड़ी विनती कर लू, उसके बाद में तुम चले जाना। बहुत अच्छी बात है माँ, यानी मेरे नाना बाबा को साथ में आप मिलना चाहते हो। हाँ, यदि मिलना चाहती हो। कहीं जा रहे हैं तुम्हारे मामा नाना, तो मैं उनसे पूछ लूंगी, भैया आप कहाँ जा रहे हो। ठीक है माँ, कोई बात हो गई बेटा तो उनसे ये तो पूछ सकोगी, तुम वहाँ गए थे हमारा लाल राजा नल क्यों नहीं आया। ठीक है भैया, फिर जो मैं अपने नाना मामा को आपके करके आ रहा हूँ। जाइए बेटा, उन्हें लेके आइए, मैं उसके बाद तुम्हें जाने दूंगी। सुनो कहानी राजन की, सुनो भैया ध्यान देने की बात, आज जा पर बैठे नाना मामा खेलौना लड़के मरो मर जाए। हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, ढोलक सुनने वाले वीरो, इधर मेरी माता वंजा ने कहा कि जाओ मेरे भैया और मेरे चाचा को मिला दो, उसके बाद में जा सकते हो। ये कच्चा पर बैठे मोर नाना ये मामा। राजकुमार 50 के नोट पर 30 रुपया में वार भैया को पांडिया आशीर्वाद देती है। हाँ हमारे भैया श्रीमान जी चलंतारा निवासी, ये 50 रुपए व्यवहार में तो भैया जी को नमस्कार। ये मेरे नाना यही मामा जी सुनते हो मामा, ये बाबूराम परस्पर 20 रुपया भगवान। सुनिए बहने, कहो मामा, ये तुम क्या बात कहते हो, तुम्हें साथ में जरूर लेंगे। मेरी माँ मन्या ने कहा कि मेरे चाचा और मेरे भैया को बुला दो, उसके साथ में तुम जा सकते हो। ऐसा चलो, मेरी माँ को भी लो चल चलते। यानी बहन ने मुझे बुलाया है। हाँ अवश्य, ठीक है बहन, जल्दी तैयार हो, हम जा रहे हैं भाई। पार गाना मैं तो टाइम ही वो यार बहुत गापे ही वो तुम होते हैं रखते हैं चलो।